आदाब दोस्तों, मैं हूं अयूब खान। एआरएस न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। शहर हैदराबाद के इलाके ओल्ड मलकपेट में कल एक खातून ने 70 साल अजीज नामी शख्स पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि उस शख्स ने उन पर ज़बरदस्ती शादी के लिए बार बार हरासा कर रहे थे, लेकिन अजीज मियां के बेटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दरअसल इस वाक़े की पूरी हकीकत बयान की है। पहले सुनिए इस खातून का ये बयान। अजीज मियां, हम हरासमेंट करता रहते, मेरा हरासमेंट करता है, मेरे को रिश्ता मंग रहा उन्हें, आप मेरे को कर लेता करते। 65 साल का बुड्ढा 24 साल की बच्ची को शादी कर लेता करते उन्हें। ऐसा शादी कर लेना जायज़ है इस्लाम में? बीवी को रखते पर, बच्चों को रखते पर, पोतरा पोतरी को, भवन को रखते पर उन्हें आके मेरे साथ शादी कर लेता करते उन्हें। उन्हें नहीं कर लिया तो उसको नहीं दिया, तभी उसके बेटे को दियो बोल रहा, रज्जाक को, अब्दुल रज्जाक मैकेनिक है उन्हें, उसको दियो बोल के बोल रहा उन्हें। मेरे से नहीं काम हुआ तो मेरे बेटे से काम चला लेता मैं, बिल्कुल बोल रहा है। नहीं तो अगर नहीं आई तो गल्ला पकड़ के, नाइटी पकड़ के खींच के गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर ले लेके आके हरास कर रहा मेरे को। के एक बार तो भी तेरे को करके खराब करके छोड़ देता हूँ, बिल्कुल बोल रहा। ऐसे गंदे गंदे अल्फाज वो कर रहा, मैं मुसलमान होके कैसा बयान करूँ रमजान? नहीं, ये सब गलत बात है, सब गलत बात है ये सब। मैं जो है ओल मलकपेट वाहिद नगर से बोल रहा हूँ। ये हमारे वालिद साहब के ऊपर कल जो न्यूज़ डाले हैं, इसको जो है बिल्कुल गलत न्यूज़ है और जो है बेबुनियाद है। हमारे को हरासमेंट कर रहे हैं, हमारे को बदनाम कर रहे हैं, और जो है हम लोग शरीफ लोग हैं। हमारे वालिद साहब वाहिद ये मस्जिद के उमर फारूक मस्जिद के सदर है। इनको चलने फिरने नहीं आता, पालिश का अटैक हुआ था, हार्ट अटैक भी हुआ था, इनका इलाज चल रहा है। इनके दवा, इनके जो है चिट्ठी देख सकते हैं आप, इनके जो है दवाखाने के रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इनको जो है नाजायज़ यानी कि ऐसा कर रहे हैं। और असल लड़ाई क्या है तो घर के पास पार्किंग की जगह के पास से लड़ाई हुई, सो है गाड़ी रखते हम हटाओ बोल के, किरकिरी हुई, बस उसका जो है इशू बना के इतना बड़ा ये कर दिए। और जो बच्ची कल जो स्टेटमेंट दी, वो बच्ची इनकी बेटी दूसरी बच्ची है, वो शादीशुदा है, अलग रहती उन्हें आके स्टेटमेंट दी, सो है जिससे लड़ी हुई वो लोग नहीं होते। ये परसों रात में जो है जो लड़ाई हुई थी, उनके 5-4-3 बच्चियाँ और अम्मा बाबा बेटे मिलके हम लोगों को मार के पुलिस स्टेशन में लेके आके बिठा दिए। ये हाथ को कतर दिए मेरे, और जो है पैर पे मेरे पत्थर डाल दिए, पैर में जो है सूजन है। और जो है मैं बोला भाई कहीं कुछ झूठ बोलना, बल्कि मैं कुछ भी नहीं बोला, हम बोले छोटा मोटी लड़ाई का खिस्सा है ना, बल्कि हम आ गए। अब कल देखे तो ये न्यूज़ मालूम है, इसी हम खानदान में रिश्तेदारों में हम सब बदनाम हो गए, महल्ले में बदनाम हो गए, महल्ले को पूरा बदनाम कर दिए लोग। वाहिद नगर में ऐसा हो गया, बल्कि महल्ले के लोगों से आप पूछ सकते कैसे है, और उल्टा न्यूज़ में ये बोल रहे कि महल्ले के लोग इनके कोई बच्चे को मार दिए कहते, महल्ले के लोग हमारे साथ नहीं है, ऐसा सा बल्कि बोल रहे। और पुलिस जो है तहकीकात नहीं करी, नहीं करने की वजह से जो है ये न्यूज़ हो ये हो गई। अगर ज़रा तहकीकात करके अगर ये करते तो हम भी ये था नहीं कर सकते थे। यहाँ 40-30-40 साल से है, कोई हमारे को ये नहीं करते कि ऐसे लोग आए, आप मालूम कर सकते हैं। हम सुबह 10 बजे दुकान को चले जाते, रात में 10-11 बजे घर को आते, बाहर चबूतरे पे तक नहीं बैठते। ये बोल रहे कि चबूतरे पे बैठ के उनकी बच्ची को हम छेड़ते कहते, हमारी उम्र नहीं है, हमारे खुद जो है 5-6 बच्चे बच्चियाँ शादी हुए हैं हमारे, उन्हें बोल रही क्या रजाक को करते, बल्कि जो बोले गलत बात है। हमारे वालिद साहब कुछ भी नहीं बोले, लोग खाली ये बना के डाल दिए, पार्किंग का झगड़ा है खाली, बस उतना ही। नहीं भाई, सर्कल वो ऐसे ही जो है इधर बुला रहे, पहले ये सेना करो, फिर राजशेखर साहब बोले इधर सेना करो, उधर सेना करो, तो हम उसमें सुबह जो है 10 बजे से रात के 11 बजे तक वहीं पीएस में थे। तो हम जाने की जल्दी में जो है हम बोले भाई अब क्या स्टेटमेंट देंगे हमारे को जो है, बल्कि हम वो लिखा पेपर ना लिखा रहे तो उसमें थे, न्यूज़ वालों को हम नहीं बोले हम।